तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं एक ऐसे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में जहाँ पे म्यूटेंट्स फैल चुके हैं। म्यूटेंट ही रेड करेंगे और मैं अपने ही एक म्यूटेंट वेरिएंट से लड़ूंगा, पता नहीं क्यों। और ऐसे म्यूटेंट्स जो उड़ भी सकते हैं, और म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ भी जो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर होंगे, और एक भूत या गोस्ट आप जैसे कह सकते हो, पता नहीं ये म्यूटेंट होगा, पता नहीं, म्यूटेंट तो नहीं होगा भूत, पर जो भी है। और एक ऐसा प्लांट जो मूव कर रहा है, क्योंकि वो एक म्यूटेंट प्लांट है जो इन्हें स्पॉन कर रहा है। खैर स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसे ही लगा था कि ये प्लांट है जो इन्हें स्पॉन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इन्हें इवॉल्व करते हैं। जो इन्हें स्पॉन कर रहा है वो है एक इनका बॉस, जिसे आप कह सकते हो म्यूटेंट फाइनल बॉस, जिसे हम आखिर में मिलेंगे। यही है वो जो इन्हें स्पॉन कर रहा है। और इस म्यूटेंट वर्ल्ड में मैं 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ। तो अच्छी बात यह है कि मैं एक विलेज के सामने स्पॉन हुआ हूँ। खैर यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी वेपन नहीं है। यार ये पता नहीं क्या आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये मक्खियाँ घूम रही हैं। पर ओके, तो ये आवाज़ यहाँ से आ रही है, ये क्या है ये? और ये क्या म्यूटेंट है क्या कोई? मुझे लगता तो नहीं, कि इनकी आँखें देखो कितनी सफ़ेद है, ऐसे भूत लग रहे हैं। ओके ये वैसे सील है, ऐसा अच्छा सील ही है, लेकिन रियल लाइफ से कुछ ज़्यादा ही अलग है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे सामने कुछ कोल भी रखे हुए हैं और ये ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं? कोई बात नहीं, कोल को तोड़ने के लिए ऑफ़ कोर्स वेपन तो चाहिए मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वो थोड़े से पेड़ तोड़ूँगा, थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन, जिससे वेपन बनेंगे, क्योंकि वुड के बिना तो वेपन नहीं बन सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़े से पेड़ तोड़ लूँ या आपका पेड़ काट दूँ। ओके मेरे ख्याल से भी इतने लॉक्स मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि मुझे बनानी है पिकैक्स, स्वॉर्ड, शवल और वेल वुड के आर्मर तो मैं नहीं बना सकता। तो मेरे ख्याल से अभी सिर्फ इतने वेपन काफ़ी रहेंगे। तो वुड लॉक से वुड प्लैंक मैं निकाल लेता हूँ और इनसे मैं बनाऊँगा स्टिक, क्योंकि उनके बिना तो मैं वेपन नहीं क्राफ्ट कर पाऊँगा। लेकिन उससे भी पहले मुझे चाहिए होगा एक क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल के बिना तो मैं वेपन नहीं क्राफ्ट कर पाऊँगा। और मुझे चाहिए होंगी स्टिक्स। ओके इतनी सारी नहीं, एक चाहिए, एक से मुझे 4 मिल जाएंगी यहाँ पे। स्टिक यहाँ पे 4 स्टिक मिली हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा 8 बना लेता हूँ। वह खैर मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा। अभी मुझे चाहिए होगी एक एक्स, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं कर पाऊँगा माइनिंग के लिए एक्स काफ़ी सही है। खैर वो अटैक के लिए भी काफ़ी सही है, लेकिन नहीं, उसके लिए स्वॉर्ड मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। यहाँ पे एक्स तो मिल चुकी है और मुझे चाहिए एक स्वॉर्ड। मेरे ख्याल से अभी के लिए सिर्फ 2 वेपन काफ़ी होंगे, एक स्वॉर्ड और एक एक्स। इन दो से मैं अभी तक तो काम चला लूँगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी माइनिंग करनी होगी, स्टोन कलेक्ट करना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो एक्स ही है, तो वो बन चुकी है, इसे लेते हैं और चलते हैं। जो दो कोल देखे थे वो सबसे पहले माइन कर लेते हैं, क्योंकि वो आगे चल के काफ़ी काम आएंगे। वो ये रे, इसके नीचे कुछ और नहीं है। चलो मुझे लगा इसके नीचे भी कोल मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्टोन की कमी नहीं है यहाँ पर। स्टोन तो मैं कलेक्ट कर ही सकता हूँ जब चाहे तब। तो यहाँ पर स्टोन मैं लेने वाला हूँ काफ़ी सारा। आई होप फर्स्ट पहले दिन में म्यूटेंट मुझे नहीं मिले तो ज़्यादा बेहतर है, और मिलेंगे भी नहीं। खैर यहाँ पे स्टोन मुझे काफ़ी, इतने मेरे ख्याल से काफ़ी है, लेकिन थोड़ा और ले लेते हैं। ओके यहाँ पे थोड़ा सा और माइन कर लेते हैं, ताकि मैं अगर मुझे कहीं चढ़ना वढ़न तो मुझे कुछ ब्लॉक्स तो वैसे भी चाहिए होंगे, तो चढ़ने के लिए मुझे स्टोन काफ़ी सही है, और इतने काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी। अब मुझे चाहिए होगा पहला एक स्वॉर्ड, एक स्टोन के स्वॉर्ड और एक पिकैक्स, ये दोनों काफ़ी सही रहेगा। स्टोन की स्वॉर्ड और स्टोन की पिकैक्स, हाँ इससे ज़्यादा डैमेज तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे वेपन हैं। वेल मैं इनमें से किसी एक को तो ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि इनसे तो मैं उन म्यूटेंट्स को नहीं हरा पाऊँगा, और ख़ास करके उनके बॉस को। तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल वेपन चाहिए होगा, देखते हैं वो कौन सा होने वाला है। वेल आपको पता चल ही जाएगा वो कौन सा है। खैर अभी मेरे पास 2 बेहतर हथियार हैं, और रात के टाइम पे आप देख सकते हो कितने सारे म्यूटेंट तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे मोब्स आ चुके हैं। अभी तक मुझे कोई म्यूटेंट मिला नहीं, और किसने मारा ये?
ओके, अच्छी बात यह है कि एक अच्छी बात यह है कि विलेज के पास अपने खुद के हीरोज़ हैं, तो इतना आसानी से वो विलेज पे अटैक नहीं कर पाएंगे, मेरा मतलब है म्यूटेंट्स। और यहाँ पे मॉब्स तो अटैक नहीं कर पा रहे, म्यूटेंट्स तो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सेफ रहूँगा, खैर अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। लेकिन जैसे 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 दिन बढ़ता जाएगा, मॉब्स पावरफुल होते चले जाएंगे, और देख सकते हो जिनकी बात मैं कर रहा था वो विलेज में आ चुके हैं, हीरो पता नहीं कहाँ पर है। मुझे लगता नहीं है इतने सारे मॉब्स को एक दो हीरो हैंडल कर पाएंगे, तो मुझे भी थोड़ा इन्हें ख़त्म करना होगा, क्योंकि खुद के लिए भी, क्योंकि ये मुझे भी हार्म कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा अजीब है, ये देखो अभी अभी ये उड़ रहा था, अभी क्या हो गया इसे, बहुत अजीब है ये तो। देखो वो अभी इस ये भी ये उड़ रहा था, उसे थोड़ा सा डैमेज दिया और वो फिर रेंगने लग गया। ओके, और भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, इसका मुंह देख रहे हो, पता ही नहीं है। ओके, अभी भी ये उड़ ही रहा है, अभी देखो थोड़ा सा इसे डैमेज दूंगा, देखो वो नीचे बैठ गया। अब ऐसा क्यों है मुझे कोई आइडिया नहीं, खैर अभी मैं पूरा दिन ऐसा नहीं कर सकता अंदर बाहर, तो इनको सबसे पहले यहाँ से हटाना होगा। ये क्या, ये गोल गोल घूम रहा है भाई, मुझे लगता नहीं हीरो सरवाइव कर पाएंगे ऐसे मोब्स के सामने, या कहीं ऐसे म्यूटेंट्स के सामने। ओ भाई ये कहाँ से स्पॉन हो रहे हैं, वो जगह ढूंढनी पड़ेगी फटाफट, क्योंकि अगर ही वहाँ जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन मेन मोब है जो इन्हें स्पॉन कर रहा है, उन्हें मैंने ख़त्म नहीं किया तो दिक्कत मेरे लिए हो जाएगी। और ये क्या है, ये कोई पोर्टल है मेरे ख्याल से, यहीं से आ रहा है क्या ये सब, पता नहीं। और भाई ये देखो एक शिप को इसने म्यूटेंट बना दिया, और ये रहा हीरो, वही मैं सोचूं हीरो है कहाँ पर, वो इनसे लड़ रहा है यहाँ पे। ओके ये क्या, और भाई, और लो जैसे कि मुझे लग ही रहा था हीरोज़ भी कमज़ोर पड़ रहे हैं इनके सामने। और ये देखो एक विच को इन्होंने म्यूटेंट बना दिया है, लेकिन लगता नहीं ये एक दूसरे को पहचान रहे हैं, और ख़त्म कर दिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। ये देखो ये इन दोनों में फाइट हो रही है, देखता हूँ कौन जीतेगा, मुझे लगता है विच जीत जाएगा, क्योंकि विच ज़्यादा पावरफुल है। देखो ओके, दिक्कत अभी मेरे लिए और बढ़ रही है, क्योंकि अगर ये म्यूटेंट है तो मेरे ख्याल से जोम्बीज़ भी म्यूटेंट बन चुके होंगे, और विलेजर भी। खैर ये वो पॉइंट है, ये वो स्पॉइनिंग पॉइंट है, स्पॉन कर रहे हैं ये वो, ये प्लांट है क्या पता नहीं जो भी है, लेकिन यही है जो इन म्यूटेंट्स को स्पॉन कर रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये ले लावा। अब कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि स्वॉर्ड से तो भाई पूरा ज़माना लग जाएगा इन्हें ख़त्म करने में। और लो ख़त्म, तो इनका पहला स्पॉइनिंग पॉइंट ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये जो पोर्टल खुले इनका क्या करना है, ब्लडी वाइन इनसे मुझे मिली थी, को मैंने इस प्लांट से कलेक्ट कर लिया जो इन्हें स्पॉन कर रहा था। ओके, और यहाँ पे, और भाई गोलम, आयरन गोलम यहाँ पे देखो म्यूटेंट बन गया है, और मेरे ख्याल से ये दो तरह के म्यूटेंट बने, देखो एक तो ग्राउंड टाइप है और एक फ्लाइंग टाइप, बस एक बचा है ये रहा, देखो आयरन गोलम। और भाई ये तो उठा गया, ये क्या, ये तो उठा के ले गया इसे आसमान में भी। ओके, यहाँ पे अभी अपना हीरो जिंदा है, बाकी हीरोज़ का क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन अभी गोलम मुझे अब एक ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो म्यूटेंट बन गए हैं, पता नहीं ये कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएगा। विलेजर यहाँ पे जॉम्बी कह रहा हूँ म्यूटेंट बन चुके हैं। ओके, यहाँ पे दिक्कत बढ़ रही है, और ओ भाई यहाँ पे तो जॉम्बी भी म्यूटेंट बन गए हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर हो गए हैं। खैर सामने इस एक को पहले हटाता हूँ मैं, देखते कितना डैमेज एक वुड स्वॉर्ड दे सकती है एक म्यूटेंट जॉम्बी को। ओके, पहला, और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच और बच गया, चलो पाँचवा। ओ भाई ये तो उछल उछल के आ रहा है, और छठा डैमेज, ओके 6 डैमेज में गया है। और ये अब पे ये क्या हो, यहाँ पे तो रेड पड़ रही है, लेकिन ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा ऊपर, ऐसे एक रेड लाइन आती है ना, रेड लिखा हुआ रेड, लेकिन अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अकेला ही है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा। और ये इसके सर पे कुछ था तो कहाँ गया वो, मैं आयरन आयरन चक्कू आप कह सकते, लोहे वाले चक्कू या फिर
कह सकते हो आयरन नाइफ से मैं अटैक कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँच रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि मैं पानी में लड़ रहा हूँ और मुझे ज़्यादातर कुछ दिख नहीं रहा है। मेरी हेल्थ भी जा रही है पानी में। ये पानी के ऊपर कैसे चल रहा है? अजी गजब ही लोग हैं। मतलब कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से एक्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं, लेकिन अब करता हूँ। ओके चलो, फाइनली मॉन्स्टर हंट कर लिया। मेरे ख्याल से ये मोब हंट होना चाहिए, मॉन्स्टर हंट क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, एक था अच्छे बात है। चलो, मेरे ख्याल से स्वॉर्ड से ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाती है, तो मेरे ख्याल से स्वॉर्ड इस्तेमाल करनी चाहिए मुझे स्टार्टिंग में। थोड़े से हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक और आ चुका है कि यहाँ पे ये क्या इनका बॉस है? और ले डैमेज मुझे भी पड़ रहा है। ओके ये ले, चलो किसी तरह ख़त्म किया इसे मैंने। यहाँ पे ब्लॉक्स पे देखो किसी तरह अफेक्ट हो रहे हैं। ओके यहाँ पे ओमिनियन बैनर मिला है, इससे क्या होगा? क्या वो नहीं आएंगे या आएंगे? पता नहीं। ये सबसे पहले मुझे अपनी हेल्थ रिकवर करनी है, क्योंकि कोई आईडिया नहीं, क्या पता वो आ रहे हों। और हाँ, ये वो आ चुके हैं, रेड पड़ चुकी है, और किसी तरह मैंने ज़्यादातर को तो हटा ही दिया है, लेकिन अभी कोई आईडिया नहीं वो कहाँ पर हैं। वो पूरे विलेज में फैल चुके हैं, और आई होप वो म्यूटेंट ना बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेंट काफ़ी फैल चुके हैं अभी। जब वो विलेजर एनिमल्स और हीरो को नहीं छोड़ रहे, तो इनको कैसे छोड़ेंगे? देखो एक बन चुका है और अपने ही साथी को ख़त्म कर रहा है, और वहाँ पे एक है, और यहाँ पे तीन है मेरे ख्याल से। देखो एक म्यूटेंट बन चुका है और एक नहीं, जो बन चुका है वो अपने ही उसको मार रहा है, ठीक है, और एक ही बचा हुआ है देख सकते हो आप। तो यहाँ पे रेड आ भी गई अपने आप, और अपने आप ही ख़त्म भी हो रही है, और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। कैर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये म्यूटेंट बन जाएंगे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अब देखते हैं कौन जीतेगा, एक म्यूटेंट या फिर एक जो अभी नॉर्मल है। ओके यहाँ पे डैमेज तो दिया है। ओ भाई वो फाइट बैक कर रहा है, मुझे लगता नहीं ये जीत पाएंगे, क्योंकि म्यूटेंट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो इनके पास प्लस पॉइंट है। और यही नहीं, और बाकी भी जितने आए थे वो म्यूटेंट बन चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों आ चुके हैं। और यहाँ पे उड़ रहे हैं, ये क्या है? एक गायब, अभी आपने देखा, ये देखो स्पेल लेके आया, कोई इनविजिबल स्पेल पी कर आया भाई। क्या म्यूटेंट है ये, म्यूटेंट कुछ ज़्यादा स्मार्ट भी हैं। खैर यहाँ पे एक म्यूटेंट सामने मेरे हैं, ये क्या ही है? जो भी है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसको पास में आने दूंगा नहीं। और घर के नीचे यहाँ पे खुदाई चल रही है, बताओ। खैर किसी तरह उन सबको हटाया मैंने, और सामने एक और म्यूटेंट है, और ले ओके यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज मुझे नहीं पड़ा, नहीं डैमेज नहीं पड़ रहा मुझे मेरे ख्याल से फंस चुका है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक म्यूटेंट तो चलो गया किसी तरह, बाकियों को हटाने में तो पूरा दिन ही चला गया। खैर यहाँ पे कुछ विलेजर को परेशान कर रहे थे, तो मैंने इसे डिस्ट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले आया हूँ। ओके थोड़ा सा डैमेज पड़ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कवर में लेते चलिए। एक एक करके मैंने एक एक करके मारूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्केल्टन भी आ गया है। सबसे गलत मोब जो मुझे लगता है स्केल्टन है, क्योंकि इनका डैमेज कुछ ज़्यादा ही गलत जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते हैं, अभी फाइट ले नहीं सकते हैं। वो विलेजर बच गया, अच्छी बात है। चलो और हम भी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे मुझे एक बढ़िया वेपन बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सामान भी चाहिए होगा। और क्रीपर, क्रीपर नहीं भाई, क्रीपर तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था एक और मोब को जो यहीं पर ही था। कोई बात नहीं, तू ही आ जा पहले। ये ले ख़त्म, एक में ही ख़त्म। वेल इसे काफ़ी डैमेज दिया तब जाके मरे, एक में तो नहीं जाएगा ये। मैं क्रीपर को नहीं छोड़ो, उसे क्या ही तंग करे, सामने कौन है? ये देखो स्केल्टन, देखो अभी भी इधर ही देख रहा है। खैर यहाँ पे मोब्स की फाइट हो रही है, म्यूटेंट वर्सेस मोब। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे एक म्यूटेंट एक मोब को म्यूटेंट बना रहे, देख लो ज़ोंबी को म्यूटेंट बना दिया। यहाँ पे सबसे अलग बात पता है क्या, यहाँ पे स्पाइडर म्यूटेंट नहीं बनते हैं,
या तो वो डायरेक्ट किल करेंगे या फिर वो खुद मर जाएंगे। स्पाइडर म्यूटेंट आप नहीं देख पाओगे इसमें, ये काफ़ी अजीब है। और ये फाइट बैक भी करते हैं, तो ये देखो ओके ख़त्म कर दिया उसे। ओ भाई, लेकिन विच कुछ ज़्यादा ओवर पावर है, तो मुझे लगता नहीं इन्हें हरा पाएंगे। विच कुछ ज़्यादा डेंजर है, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे विच वर्सेस स्पाइडर है, और पीछे ये लो, पीछे ये आ गया है, ख़त्म। ये क्या हो रहा है? ओके कोई नहीं, चलो। ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, यहाँ से निकलते हैं। अगला दिन हो चुका है, और यहाँ पे देखो एक और सामने ज़ॉम्बी आ गया है, और मुझे देखते रहो कैसे भागते आ रहे हैं। खैर इनका डैमेज देख रहे हो, ये इतनी दूर से, इनको पास भी नहीं अंदर, इतनी दूर से एक हार्ट ख़त्म। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा थक चुके हैं, तो मेरे ख्याल से सोना चलिए। और सोने के लिए मुझे चाहिए होगा बेड जो कि है ऊपर। और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और पहुँच गया मैं यहाँ पे। खैर यहाँ पे सो के उठ चुके हैं, और शायद से खाना पक चुका होगा। यहाँ पे अपने पास आर्मर है आयरन का, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। और सामने आप देख सकते हो क्या ही म्यूटेंट है भाई, ये बॉस तो नहीं है, लेकिन जो भी है सब दूर ही रहूँगा अभी मैं, क्योंकि मैं अभी तो नहीं लड़ पाऊँगा इससे। या फिर मैं लड़ सकता हूँ? नहीं लड़ पाऊँगा, या फिर शायद मैं लड़ जाऊँ, शायद मैं इसे हरा सकता हूँ, पता नहीं। तो चलो देखते हैं, पता करते हैं। इसको सबसे इजी तरीका हराने का है एक लावा बकेट। और ये देखो मेरा ये एक म्यूटेंट, मेरा ये एक वेरिएंट म्यूटेंट है ये। ओके बकेट है इसके पास, और मेरी शील्ड भी। और कितना डैमेज लेगा भाई, मेरे पास अभी सिर्फ एक्स ही है। और चलो किसी तरह, मुझे लगा मेरी एक्स टूट जाएगी, सिर्फ तीन हार्ट पे छोड़ा उसने। और ये देखो अजीब ब्रेन तरह, ये ब्रेन है क्या ये, कोई दिमाग लग रहा है पता नहीं। अजीब तरह के प्लांट यहाँ पे उग रहे हैं, ग्लोइंग मशरूम जो रात को चमकते हैं। बस इनके बीच में अगर कोई खड़ा हो गया तो बहुत डैमेज जाएगा, तो यहाँ पे खड़ा हो नहीं सकते। और देखो कैसे फैल कैसे रहे हैं, और वो रहा वो म्यूटेंट, इसको तो हरा ही चुके हैं, लेकिन ये वहाँ पे ऐसे खड़ा क्यों है पता नहीं। ये मशरूम देखो कैसे चमक रहे हैं रात को। और यही नहीं, मुझे मिला है यहाँ पे म्यूटेंट प्लांट, ये है वो प्लांट जो कि शायद इन्हें स्पॉन कर रहा है। तो इन्हें ख़त्म करना सबसे पहला ज़रूरी है, मुझे सबसे ज़रूरी इन्हें ख़त्म करना है। तो देखना पड़ेगा कैसे, क्योंकि मैं इनके पास भी जाऊँगा तो सारे म्यूटेंट आ जाएंगे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इतना आसान नहीं है। यहाँ पे इन प्लांट्स के बीच में भी नहीं जा सकता, पूरा एरिया क्लियर करके जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया इनके ऊपर भी आप खड़े रहोगे तो बहुत डैमेज जाएगा, ये किसी तरह का गैस रिलीज़ करते हैं जिससे बहुत डैमेज पड़ता है। तो इन्हें कैसे ख़त्म करना है, मुझे इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हल्का सा भी इसके ऊपर चले गया ना, डैमेज देख रहे हो कितना चल रहा है। अरे ये घास क्यों तोड़ रहा है ब्रेड से। यहाँ पे इन प्लांट्स से थोड़ा दूर ही रहना है, और अगर मुझे आगे जाना है तो प्लांट्स को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इन ये बहुत डैमेज दे रहे हैं। और इतना डैमेज ले सकता नहीं मैं, क्योंकि खाना अपने पास थोड़ा कम है। और ये क्या है, ये कोई दिमाग जैसी कोई चीज़ है, ये जो भी है कुछ ठीक नहीं है, तो इन्हें तोड़ना ज़रूरी है। और यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये इवॉल्व हो रहे हैं, ये देखो अभी ये एक ज़ॉम्बी था, अब कैसे इवॉल्व हो गया ये। तो वो प्लांट और ये म्यूटेंट कुछ अलग ही दिख रहा है, पता नहीं क्यों थोड़ा ग्रीन दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने प्लानिंग थोड़ी बनाई है, और मेरे ख्याल से वो शायद काम कर जाए। ये प्लान अगर काम कर गया तो काफ़ी सही रहेगा। वेल देखते हैं काम करेगा या नहीं। सबसे पहले डर्ट लेते हैं, और सबसे पहले मैं ये रास्ता बंद करूँगा ताकि कोई पीछे से म्यूटेंट ना आ जाए, और इस रास्ते को भी ब्लॉक कर देते हैं। ओके अंधेरा हो चुका है, इतना अंधेरा नहीं चाहिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से रास्ता क्लियर करते हैं। यहाँ पे रोशनी के लिए मेरे पास लावा है, टॉर्चेज नहीं है, लावा भी काफ़ी है, वो काफ़ी रोशनी कर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक टनल, ये टनल सीधा जाएगी उस म्यूटेंट प्लांट के पास,
और मैं उन्हें डायरेक्ट वहीं से ख़त्म कर दूंगा। तो सबसे ईजीएस्ट और सेफ मैं कहूँगा तरीका तो यही है अभी तक, और आई होप वो दोबारा से वो ना उगे। मुझे लगता नहीं वो दोबारा उगेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ली है और यहाँ पे मैं गेरूँगा लावा जिससे हो जाएगी रोशनी, और ठीक है मैं माइनिंग कर सकता हूँ आगे। सबसे पहले मैं पीछे का रास्ता जो है वो बंद कर देता हूँ ताकि कोई म्यूटेंट ना गिर जाए यहाँ पे, ज़ॉम्बी या विच, क्योंकि अगर वो आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास शील्ड भी नहीं है अभी भी, क्योंकि आयरन जितना था सब जितना भी था सब बकेट में, अपने पिकैक्स में, आयरन में, स्वॉर्ड में, सारे वेपन बनाने में और सूट, उन सबको बनाने में लग गया। तो ओके, यहाँ पे अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लावा जिससे हो जाएगी थोड़ी रोशनी। यहाँ पे थोड़ा सा माइनिंग करते हैं शुरू। यहाँ पे मैं बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे कोई प्लांट, म्यूटेंट प्लांट ना मिले। खैर आगे चलते हैं सीधा, मुझे सीधा आई होप सीधा ही जाना है। खैर यहाँ पे थोड़ा कोल भी मिले तो वो भी ले लेते हैं, थोड़ा कोल जितना मिले उतना ज़्यादा सही है क्योंकि आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी। वो क्यों पड़ेगी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो स्पेशल वेपन हम बनाने वाले हैं उसके लिए कोल चाहिए। वो मैंने सोचा था कि मैं म्यूटेंट स्वॉर्ड बनाऊंगा, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर मैं कहूँ वो स्वॉर्ड है या कहें वो वेपन है, क्योंकि उसका डैमेज भी काफ़ी सही है। खैर यहाँ पे थोड़ा सा और कोल ले लें, नहीं मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, काफ़ी कोल हो चुका है, इसको भी ले लेते हैं। अब यहाँ से मुझे सीधा जाना है, लेकिन सबसे पहले मैं लावा लूँगा यहाँ से। ये देखो ये जड़े देखो ना कैसे म्यूटेंट प्लांट कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं कि उनकी जड़ी जो हैं जड़ें हैं वो नीचे तक आ रही हैं। देखो अभी माइन किया और अभी देखो इसकी जो जड़ है वो कैसे आ रही है। खैर यहाँ से मेरे ख्याल से सीधा जाना है मुझे, अगर मेरे कोऑर्डिनेट सही हैं तो यहीं से सीधा जाना है। ओके यहाँ से सीधा और ओके यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, शायद से मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ इससे थोड़ी सही वाइब नहीं आ रही। इसे तोड़ देते हैं, इसे भी तोड़ देते हैं। ये और भाई ये तो मुँह पे उग रहे हैं, कोई बात नहीं शायद से वो सामने ही है। ओके सही था मैं, वो भाई वो देखो वो म्यूटेंट हो रहा, उसने देख लिया। खैर यहाँ पे मैं सेफ हूँ तो उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे मैं बस साइड में थोड़ी सी डर्ट लगा दूँगा ताकि ये मुझे देख ना पाए। और भाई ये तो डैमेज दे रहा है, वो ब्लॉक के अंदर कैसे डैमेज दे रही है। ओके यहाँ पे मैं साइड में लगा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी पिकैक्स से तोड़ते हैं। ओके मैं शायद बिल्कुल ठीक बिल्कुल बगल में हूँ तो इस वजह से ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्लॉक। थोड़ा सा शायद सामने और तोड़ना है, मुझे लग रहा है इसके पीछे ही है। ओके वो देखो दिख रहा है, एक प्लांट दिख गया मुझे, बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब यहाँ पे उड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, शायद वो यहीं कहीं उड़ रहा है। रास्ता यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया मैंने, लेकिन अभी लावा मुझे चाहिए क्योंकि मैं थोड़ा और आगे माइन करने वाला हूँ। तो यहाँ से थोड़ा लावा ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ताकि रोशनी कायम रहे। और ये देखो प्लांट कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं भाई, ये नीचे तक आ जा रहे हैं और माइन करते हुए रात होगी पूरी। देख रहे हो कितना लंबा माइन किया और यहाँ पे अभी भी मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। देख रहा सामने ही, लेकिन अभी भी नहीं पहुँच पाया हूँ। ये ब्लॉक थोड़े अजीब है वैसे, देख रहे हो थोड़े से अजीब है। इन पर प्लांट, मुझे लगा ना पहले कि इनके ऊपर प्लांट वो वेन्स आ रही है, प्लांट है कोई, लेकिन ये प्लांट नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। ओके देखो देख इसके नीचे ही है, देखो ऐसे दिख रहा है, ये रहा वो प्लांट। ओके थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ साइड में ब्लॉक और मेरे ख्याल से यहीं इसी के अंदर वो तीनों प्लांट हैं। देखो एक सामने ये रहा, यहाँ पे इस ब्लॉक को भी तोड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से, लेकिन सबसे पहले मैं साइड वाले ब्लॉक को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बाकी वो भी उधर ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, तो इन्हें भी तोड़ना है। वेल इनका वायरस इतना इफ़ेक्टिव है कि ब्लॉक भी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, तो दिक्कत है यहाँ पे, मुझे इनसे दूर रहना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन
ये इन्हें इन्हें थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। हाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे करके फिर नीचे तोड़ता हूँ मैं, ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए। और वो रहा, चलो सामने ही दिख गया। सबसे ईजीएस्ट वे, इनके ऊपर लावा डाल देते हैं। और भाई थोड़ा सा थोड़ा टाइम नहीं हुआ होगा, और यहाँ पे देखो जंगल बन रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे बस मुझे लावा डालना है और काम हो जाएगा। ओके नहीं, अंदर आ रहा है लावा, अंदर आ रहा है, ये तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मुझे बिल्कुल उसके ऊपर डालना पड़ेगा। देखो जल रहा है तो इफ़ेक्ट तो जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर डालना पड़ेगा डायरेक्ट। तो एक ब्लॉक छोड़ के मेरे ख्याल से, हाँ ये वाला ब्लॉक सही रहेगा मेरे ख्याल से। ये इससे देख सकते हो कितना डैमेज पड़ रहा है, और आग तो लग चुकी है। एक एक को करने गया था और बाकी सब में आग लग गई है, तो अच्छी बात है। ये बाकी सारे प्लांट भी मर जाएंगे। वेल यहाँ पे जो इन्हें स्पॉन कर रहे थे प्लांट्स, इन सबको तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी देखो एक वहाँ पे अभी भी इनमें आग नहीं लगी है। वेल मुझे कोई आईडिया नहीं। खैर यहाँ पे एक मॉब नीचे है क्या, उस वो देखो वहीं पे देख रहे हैं। और ये धीरे धीरे आग बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से ये जहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं इन्हें जला देगी। देखो यहाँ पे वो इन सबको देख रहा है, लेकिन शायद से समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये प्लांट्स काफ़ी डेंजरस है, और ये विलेज में भी फैल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उनमें भी आग लगा देनी चाहिए ताकि वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि विलेजर अब जितने भी थे वो ज़्यादा से ज़्यादातर तो म्यूटेंट ही बन चुके हैं, तो दिक्कत थोड़ी सी है। कोई बात नहीं, एक मॉन्स्टर यहाँ पे भी तो है, एक म्यूटेंट यहाँ पे भी तो है। ये देखो ये रहा वो रो भाई, ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक है। चेयर यहाँ पे देख रहे हो जंगल कितने हो गए हैं यार। कोई बात नहीं, एक म्यूटेंट नीचे भी तो है। कोई बात नहीं, वो भी चल गया मेरे ख्याल से। और एक ओके चलो, अब आग लगी रही है इसमें। मैं वही सोचूँ आग क्यों नहीं लगी अभी तक। खैर मेरे ख्याल से वही मर जाएगा। और ये देखो किसी तरह का स्पैल है जो कि हवा में उड़ रहा है। तो ओके यहाँ पे ये म्यूटेंट देखो उस ब्रेन वाले प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये वैसा नहीं था, दूसरा था कोई, ये पॉइजन एरो शूट करता है। खैर यहाँ पे देखिए अलग अलग ही मॉन्स्टर आ रहे हो। और भाई ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक है, अभी ये तो दीवार ही तोड़ दे रहे भाई। यहाँ पे जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे जो म्यूटेंट है यहाँ पे पावरफुल होते जा रहे हैं भाई। ये तो घर ही तोड़ देंगे। खैर कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मुझे इन्हें ख़त्म करना होगा सबसे पहले, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इन्हें ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं ज़्यादातर। वो मैं कहूँगा वो ब्रेन वाले जो प्लांट है इन्हें। वो भाई ये स्वॉर्ड देख रहे हो कितनी बड़ी है। खैर यहाँ पे मेरे ख्याल से नीचे है बेड। हाँ मुझे लगा मैंने ऊपर रखा है बेड, सोने का टाइम। और अगला दिन हो चुका है, और मेरे ख्याल से शायद से टाइम आ चुका है एक ऐसी स्वॉर्ड बनाने का जो काफ़ी सही डैमेज दे। आयरन क्ले, इसके लिए मुझे चाहिए एक ह्यूज आयरन ओके स्मिथिंग हैमर, और बाकी के एक टाइनी ओके। मेरे ख्याल से ठीक है, मेरे पास सारा सामान तो नहीं है, लेकिन बना लूँगा मैं। सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, स्मिथिंग हैमर को। उसके बाद मुझे चाहिए एक ह्यूज आयरन पीस, या कहें ब्लॉक, और एक टाइनी आयरन ब्लॉक, एक मीडियम आयरन ब्लॉक, और इसमें स्मॉल आयरन ब्लॉक, जिससे अच्छा ठीक है समझ गया। एक स्मिथिंग आयरन है, एक टाइनी और एक स्मॉल। और ये देखो ये क्या हो रहा है, ये भूत क्या कर रहा है, ये भूत है क्या, ये मुझे तो गोस्ट ही लग रहा है, ये पता नहीं। ओके इनसे तो पंगा नहीं ले सकते भाई, क्योंकि ये म्यूटेंट नहीं है। इन्हें इसे हराने के लिए क्या ही चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं। खैर यहाँ पे मैं सामान लेने तो आया था, और काफ़ी कुछ कलेक्ट हो चुका भी है। देखते हैं मेरे ख्याल से मैं बना पाऊँगा या नहीं वो स्वॉर्ड। ओके यहाँ पे आयरन तो मिल चुका है, इससे लगाते हैं फर्नेस में। और यहाँ पे मुझे चाहिए चारकोल, ठीक है मेरे ख्याल से आयरन इतना काफ़ी रहेगा। और इसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसे मैं इन्वेंट्री में रहन मतलब इन्वेंट्री थोड़ी खाली भी हो जाएगी, और
देखने में ठीक लग रहा है। चलो ठीक है, थोड़ी इन्वेंट्री में स्पेस बनेगी कि पूरी बढ़ चुकी है। यहाँ पे एक आयरन स्पीयर है, क्या मैं इसे फेंक सकता हूँ? अगर इसे फेंक के मारे तो भाई क्या ही गजब होगा। ओके नहीं फेंक सकता, इसे फेंकना चाहिए था, फेंक नहीं पा रहा। ओके यहाँ पे थोड़ा सा खाना है तो मैं इसे थोड़ा इसी के अंदर रखते हैं और थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। अमरूद अभी भी खट्टे हैं और यहाँ पे आयरन हो चुका है कंप्लीट, इसे मैं अंदर रख लेता हूँ और इसे लगते हैं अंदर, और मेरे ख्याल से इतने में तो बन जाएगा। ओके यहाँ पे सॉर्ड कहाँ गई मेरी, आयरन और कहाँ है, ये एक किंग सॉर्ड है लेकिन मैं इसे बना नहीं पाऊँगा अभी। आयरन क्लेमोर 14 का डैमेज दे रही है भाई है। ये देखो एक ये 12 का, एक 14 का, एक 16 का और 18 का, लेकिन वो मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि उसके लिए मुझे चाहिए होगा काफ़ी सामान जो कि यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। तो उस सामान को लेने के लिए मेरे ख्याल से मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए होगी क्योंकि नॉर्मल स्वॉर्ड तो नहीं हरा पाएगी उसे, क्योंकि अब जो म्यूटेंट है वो बहुत पावरफुल हो चुके। और ये क्या है? ओके ये देखो ये पहले नहीं था यहाँ पे। ओ भाई साहब, तो ये है वो बॉस, म्यूटेंट का फाइनल बॉस, मतलब देख सकते हो ये है वो असली चीज़ जो ने स्पॉन कर रही है, ये है वो असली बॉस। तो मेरे ये देखो ये है वो असली बॉस जो इन्हें स्पॉन कर रहे हैं। वो प्लांट तो उन्हें सिर्फ थोड़ा सा इवॉल्व करने में मदद कर रहा था मेरे ख्याल से, लेकिन अपनी पुरानी ट्रिक लावा से ख़त्म करने की। लो जीत गए, क्या जीत गए भाई? कुछ नहीं असर हो रहा इसे, तो लावा में कुछ असर नहीं हो रहा इसे भाई, जिस पर लावा का असर नहीं हो रहा इसे कैसे मारेंगे? मुझे लगता नहीं इतना आसान होने वाला है, मुझे लगता है इसे मार सकते ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे स्टोन, तो इन्हें भी थोड़ा सा पका लेते हैं। स्टोन मुझे चाहिए होंगे, बिना उसके मैं कैसे बनाऊँगा? ओके यहाँ पे 2 हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 10 काफ़ी रहेंगे। ओके यहाँ पे एक और आ चुका है, इन्हें होने में काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि जो कोक मेरे पास वो दूसरा स्टोन था वो अभी है नहीं, चारकोल वो भी 6 ही है बस, इन्हें मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता। और कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से इतने काफ़ी रहेंगे। और आर्मर टेम्पलेट बन चुका है, और ब्लैंक टेम्पलेट सॉरी, मेरे ख्याल से 9 मेरे ख्याल से और ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से हो चुके इतने काफ़ी रहेंगे, और अब मुझे चाहिए यहाँ पे स्टोन कटर, और स्टोन कटर से मुझे यहाँ पे ओके क्या चाहिए था मुझे, क्ले कुछ कर चाहिए था ना यहीं पर, मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है वो। क्ले स्वॉर्ड टेम्पलेट मेरे ख्याल से नहीं, ये नहीं था, ये क्या है? हाँ क्ले मोर टेम्पलेट, ओके ये था वो क्ले मोर टेम्पलेट एक्स नहीं है, नहीं क्ले मोर टेम्पलेट ये रहा वो, यही चाहिए। ओके हाँ अब मैच कर रहे हैं, मुझे लगा कुछ और ही है वो। खैर एक से तो नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से 9 चाहिए, ये 4 5 6 7 8 9 हाँ 9 चाहिए। चलो ठीक है इसे ले लेते हैं, दोनों 9 9। और अब मुझे चाहिए होगी ओके यहाँ पे आयरन स्वॉर्ड लिखते हैं सबसे पहले, आयरन और क्लेमोर स्वॉर्ड, ठीक है ये रही आयरन क्लेमोर। और अब मुझे क्या चाहिए? अच्छा इन्हें चाहिए स्मिथ करना है, स्मिथिंग टेबल चाहिए मुझे इसके लिए, स्मिथिंग टेबल ये रहा। ओके अरे अच्छे बाहर चाहिए तो इसे अंदर क्यों रखा मैंने, इसे यहाँ रख देते हैं। इंचेंटेड बुक मुझे लगता नहीं इसका कुछ काम होगा, मैं इसे यहीं रख देता हूँ। अब मुझे चाहिए ओके एक चाहिए ह्यूज आयरन ब्लॉक, और अब मुझे चाहिए क्लेमोर टेम्पलेट, अब मुझे चाहिए ब्लैंक टेम्पलेट। ओके यहाँ पे मिल चुकी है मुझे क्लेमोर का पार्ट, और यहाँ पे बच गया है, मुझे लगा 9 के 9 यूज़ होंगे। खैर अब यहाँ पे आयरन क्लेमोर का पार्ट बन चुका है, तो आयरन क्लेमोर अच्छा ठीक है, अपग्रेड मेरे ख्याल से हो चुका है। मुझे मेरे ख्याल से क्राफ्टिंग टेबल में इस्तेमाल करना है। ओके अब मुझे यहाँ पे ये बनाना है, और ये लो बन गई आयरन क्लेमोर, ये एक स्वॉर्ड 14 का डैमेज देती है, काफ़ी सही है। चलो अभी इसे टेस्ट करेंगे,
उसका साइज देख रहा हूँ भाई साहब, कितना लंबा है भाई। खैर डैमेज भी उतना ही देखी है। मेरे ख्याल से ये म्यूटेंट वाले से ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे इस म्यूटेंट को देख सकते हो भाई, क्या है ये, आग से कुछ नहीं हो रहा इसे। यहाँ पे एक और प्लांट है जो उनसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन ये देखो ये क्या है, क्या ये पता नहीं भाई, तब से आग लगी पड़ी है लेकिन कुछ नहीं हो रहा भाई। ये बॉस, इस बॉस को हराएंगे कैसे, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे चलो, ये प्लांट मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो दोबारा कहीं भी उग जा रहे रैंडमली। खैर यहाँ पे स्वॉट टेस्ट का टाइम आ चुका है, एक म्यूटेंट मेरे सामने है। मेरे ख्याल से 6-7 स्वॉट मैंने मारी थी, तब जाके वो म्यूटेंट ख़त्म हुआ था। अब देखते हैं कितने हिट में ये म्यूटेंट जाता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चलो अच्छा भाई, चलो काफ़ी सही काफ़ी सही। 3 डैमेज में एक म्यूटेंट, चलो मैं मान के चलता हूँ कि ख़त्म कर सकता हूँ मैं। ओके एक ज़ॉम्बी एरा, ये पहले में ही ख़त्म हो रहे हो भाई, ख़त्म, बहुत सही बहुत सही। तो ये जो स्वॉर्ड है काफ़ी सही काम कर रही है। अब मुझे देखना है वो वाले म्यूटेंट, वो देखो, एक तो वो है एक ये वाला कुछ ज़्यादा डेंजर है, देख रहे हो ये पॉइजन एरो शूट कर रहा है। अब ये मत करना, ये मत पूछना कहाँ से, लेकिन ये जो भी देखो देख लिया उसने, ये वाला उससे भी ख़तरनाक है। आपने देखा होगा गोलम से जब वो लड़ रहा था, कैसे उठा के ले गया था उसे हवा में। ये मेरे ख्याल से पॉइजन एरो शूट करता है। और गलत गलत, अंदर नहीं आना, अंदर आता अंदर मता, इसका पॉइजन कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। अरे अरे रुक जा, सिर्फ आधा हर्ट बचा है, सिर्फ आधा। खाना मेरे पास कितना है देखना पड़ेगा, पॉइजन अभी भी है। खाना देखते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं आधे हर्ट में कैसे आ रहा हूँ इसे, ये कुछ ज़्यादा ओवर पावर है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश करूँगा। अभी भी डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ थोड़ा सा। ओके बड़ी डैमेज पड़ा, थोड़ा सा और क्लोज जाऊँगा और डैमेज पड़ा इसे, डैमेज पड़ा। ओके एक और डैमेज और कितना डैमेज लेगा। ओके ख़त्म, फाइनली स्वॉर्ड तो काम किया, चलो मानना पड़ेगा। लेकिन ये म्यूटेंट भी कमाल का था, काफ़ी पावरफुल था, लेकिन स्वॉर्ड के सामने टिक नहीं पाया वो। विंग मेम्ब्रेन, ये म्यूटेंट फ्लैश ड्रॉप किया इसने। और यहाँ पे देखो वो भाई, इसे भी म्यूटेंट बना दिया। देखो ये जो दोनों लामा हैं, ये उस फ्लावर पे खड़े हैं, तो मेरे ख्याल से ये बच नहीं पाएंगे। ये देखो डैमेज पड़ रहा है, इस म्यूटेंट को नहीं पड़ेगा, इन दोनों को पड़ेगा, क्योंकि ये म्यूटेंट में कन्वर्ट नहीं हुए ना। देखो इनके ऊपर जितनी देर खड़े हो रहोगे और मूव करोगे, देखो डैमेज पड़ रहा है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा विलेज इनसे कवर हो चुका है, पूरा घर के ऊपर तक आ चुका है भाई, ये क्या क्या कवर हो चुका है। और ये रैंडमली किस भी बन रहा है। और ये बिल्डिंग, ये पता नहीं कौन से शील्ड बना ली इन्होंने, ये पहले हाफ तक पूरा सर्कल बन चुका है। और इनके ऊपर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत डैमेज देता है, ये ब्लॉक भी। देखो ये वाली फ्लावर भी काफ़ी डैमेज दे रहे हैं, तो इनके ऊपर मैं नहीं जा सकता। और वो उस रेड वाले ब्लॉक के ऊपर भी है, जिनके अंदर फाइनल बॉस है। पहले उस बॉस को मारने के लिए मुझे कौन सा वेपन चाहिए, मुझे कमेंट पे बताना।